हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। मेरे प्यारे साथियों, आज 6 जनवरी 2019 की हम बात करते हैं। यह करंट अफेयर्स आपके सभी कंपटीशन एग्जाम, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, आरआरबी, बैंक, जीआरई, नेट, रेलवे, सभी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे साथियों, यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अन अकेडमी पर मुझे फॉलो करें। अन अकेडमी पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही करंट अपडेट्स, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्वीज और हेल्प सेंटर के लिए आप यूवी कंपटीशंस, जो कि इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचारों की। यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी लॉन्चेज द स्वच्छ सर्वेक्षण 2019, द फोर्थ एडिशन ऑफ द एनुअल नेशनल वाइड क्लीनलीनेस सर्वे ऑफ अर्बन इंडिया इन न्यू दिल्ली। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में शहरी भारत के वार्षिक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता सर्वेक्षण के चौथे संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अनाउंस्ड दैट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI डिक्लेयर्ड 6 मोन्यूमेंट्स एज प्रोटेक्टेड एंड ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस अंडर द एंशियंट मोन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 इन 2080। संस्कृति मंत्रालय ने घोषणा की कि भारतीय पुरातत्व संरक्षण ASI ने 2018 में प्राचीन स्मारकों और पुरातत्व स्थलों और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत 6 स्मारकों को संरक्षित और राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट, द 27th न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर हैज बिगन एट प्रगति मैदान। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर इनॉग्रेटेड द 9-day एनुअल इवेंट। द थीम ऑफ दिस ईयर इज रीडर्स विद स्पेशल नीड्स। प्रगति मैदान में 27वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला शुरू हो गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 9-दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस वर्ष का विषय है रीडर्स विद स्पेशल नीड्स है। नेक्स्ट, इंडियन पनोरमा फिल्म फेस्टिवल हैज बिगन एट श्री फोर्ट ऑडिटोरियम इन न्यू दिल्ली। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी अमित खरे इनॉग्रेटेड द फेस्टिवल। नई दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में भारतीय पनोरमा फिल्म महोत्सव शुरू हो गया है। सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने महोत्सव का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज इम्पोज्ड ए फाइन ऑफ 100 करोड़ रुपीज ऑन मेघालय गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर टू कर्ब इलीगल कोल माइनिंग इन द स्टेट। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने NGT ने राज्य में अवैध कोयला खनन को रोकने में विफलता के लिए मेघालय सरकार पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। अब आइए बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज, खेल समाचारों की। द 18th नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप बिगन एट जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम इन कटक। कटक के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में 80वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप शुरू हुई। नेक्स्ट बात करते हैं बैंकिंग न्यूज, बैंकिंग समाचारों की। ICICI बैंक इन ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोग्राम साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विद स्मॉल बिजनेस फाइन क्रेडिट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ए सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी फॉर एंटरप्रेनर्स टू जॉइंटली प्रोवाइड क्रेडिट वर्थ अप टू 1 करोड़ रुपीज टू MSMEs फॉर ए टेन्यूर ऑफ 15 ईयर। ICICI बैंक ने अपनी तरह के पहले कार्यक्रम में स्मॉल बिजनेस फिन क्रेडिट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि उद्यमियों के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है और 15 वर्षों के कार्यकाल के लिए संयुक्त रूप से MSME को 1 करोड़ रुपये तक का ऋण प्रदान करती है के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट, रैंक एंड रिपोर्ट्स, रैंक और रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश एमर्स्ट
on top of Asia Competitiveness Institute, ACI Singapore's 2018 Age of Doing Business EDB Index ABC ranking for economics of 21 states of India, while Maharashtra and Delhi came in second and third place respectively. Andhra Pradesh Asia Pratispardhatmak Sansthan, ACI Singapore ke 2018 Age of Doing Business EDB Index ABC ranking mein Bharat ke 21 rajyon ki arthvyavasthaon mein शीर्ष के रूप में उभरा है, जबकि महाराष्ट्र और दिल्ली क्रम से दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज विविध मिसलेनियस। विजय माल्या बिकम द फर्स्ट टाइकून टू बी चार्ज्ड अंडर ए न्यू एंटी फ्रॉड लॉ विद ए कोर्ट इन मुंबई नेमिंग हिज एन एज एन ऑफेंडर अंडर द फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। विजय माल्या एक नए धोखाधड़ी विरोधी कानून के तहत आरोपित होने वाले पहले व्यवसाय प्रमुख बन गए हैं। उन्हें मुंबई की एक अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत एक अपराधी घोषित किया था। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपके करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो लाइक करें, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट करें, और यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और अनअकैडमी पर भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।